और चेन्नई सुपर किंग्स को देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है ना, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर बैटर्स जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ है, डेवन कॉनवे बैटर है, अजिंक्य रहाणे है, समीर रिजवी जो कि 8 करोड़ का इन्होंने लड़का लिया, मैंने इसका सारा का सारा डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकाले, बड़ा शानदार लड़का है। लेकिन सवाल ये आता है, खेलेगा किसकी जगह? ये तब खेलेगा जब अजिंक्य रहाणे नहीं खेलेंगे, तब ये बेचारा खेल सकता है। शेख रशीद है, विकेट कीपर में एमएस धोनी है, अविनाश राव है, ऑलराउंडर्स इनके अब देखें, रविंद्र जडेजा, डैरल मिचेल, मोइन अली, शरदुल ठाकुर, शिवन दुबे, मिचेल सैंडर, रचिन रविंद्रा, रजवर्धन हंगरीकार, निशांत सिंधु, अजय मधाल, इनके पास भी तगड़े ऑलराउंडर्स हैं। इन्होंने शरदुल ठाकुर को लिया, रचिन रविंद्रा को लिया और डैरल मिचेल को लिया। ये तीन ऑलराउंडर्स इन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के पिक किए हैं और मोइन अली इनके पास ऑलरेडी है, मिचेल सैंडर ऑलरेडी है। ये जो टीम है हमेशा से शुरू से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करती होती है, ये ऑलवेज बेस्ट है, ये टॉप 4 की टीम है, ये जैसा कहते हैं बड़ी तगड़ी टीम है। बेन स्टोक की जगह इन्होंने डैरल मिचेल को ले लिया, रचिन रविंद्रा जो ये लेके चले गए ना, ये बड़ा फायदा देंगे। लेकिन रचिन रविंद्रा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मोइन अली खेलेंगे या मोइन अली नहीं खेलेंगे तो रचिन रविंद्रा खेलेंगे, ये सोच समझ के सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी भी टीम बड़ी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है, बैटर इनके बाद ऋतुराज, डेवन कॉनवे जैसे ओपनिंग प्लेयर है, फिर अजिंक्य रहाणे या तो शिवम रिजवी, शिवम दुबे भी इनके पास है, बॉलिंग भी इनके पास अच्छी है। इनकी बॉलिंग की अगर बात करें, दीपक चाहर, पथी राणा, महेश सिक्साना, मुस्तफिजुर रहमान को भी लेके चले गए, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे पिछला सीजन का बड़ा अच्छा रहा, तो बॉलिंग भी अच्छी है इनके पास। इस बॉलिंग लाइनअप से ये लोग आपको याद है आईपीएल का फाइनल जीते थे, तो सल्यूट तो बनता है, तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। तो मेरी नजर के अंदर ये जो टीम है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, ये भी किसी टीम से कम नहीं है। जो इनकी मुझे थोड़ी पोती अगर आप कह सकते हैं ना, जो थोड़ी पोती इनकी मुझे वीकनेस नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्पिन ऑलराउंडर अपने पास रखे हुए हैं, इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्पिन ऑलराउंडर अपने पास रखे हुए हैं और सारे के सारे ही लेफ्ट आर्म है। रविंद्र जडेजा कहते हैं, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, ये सारे के सारे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर्स हैं। इनको चाहिए था कोई अच्छा लेग स्पिनर ले लेता ना तो इनका बड़ा फायदा होना था, लेकिन ये मुझे इनकी एक वीकनेस नजर आ रही है। बाकी फास्ट बॉलिंग इनके पास तगड़ी अच्छी बॉलिंग है, वो जिसको कहते हैं ना सही नजर आ रही है। महेश सिक्साना, हाँ, एक इनके पास एक बॉलर है वो नजर आ रहा है वो बॉलर।